congratulations कहना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि इट्स वेरी हार्ट फेल्ट जो वो कर रही है. ऑफ कोर्स हम लोग हमेशा अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करने जाते हैं, बट जबकि कुछ इतना क्लोज टू हार्ट होता है एंड समथिंग विच इज़ सो रेलिवेंट इन अ सोसाइटी, यू वॉन्ट टू गो एंड सपोर्ट देम इवन मोर. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हर और मैं चाहती हूँ कि ये चैनल और ये शोज़ बहुत अच्छा करें और बहुत लोगों तक पहुँचे और ताकि सब लोग अपने दिल की सुन सकें. इट्स ब्यूटिफुल शमा एंड आई वी हैड अ चैट अबाउट दिस ऑल्सो जब ये मतलब कुछ महीने पहले जब आई थिंक ये नेसेंट स्टेजेस में था एंड आई हैव ऑलवेज कनेक्टेड विद हर एट दिस लेवल बिकॉज उनकी थॉट्स एंड व्हाट शी इज़ बिन थ्रू यू नो इन लाइफ एंड वो कितने अपने डाउन से जो वो इंस्पायर्ड हैं ना कि वो और डाउन हो गई हैं. आई ऑलवेज गिव हर एग्जाम्पल टू माई फ्रेंड्स टू माई फैमिली. तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट एंड आई रियली रियली विश हम ऑल द बेस्ट विद दिस. सिर्फ एक ही चीज़ क्षमा कह रही है, अब दिल की सुन, तो अब दिल की सुन. थैंक यू. इतना कुछ है कहने के लिए बट दिल इतना भरा हुआ है इस वक्त कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं ठीक से. इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ इस मोमेंट पे और बहुत मेहनत की है हमने. मेहनत से ज़्यादा सबने बहुत ही दिल से काम किया है, सबने सरेंडर होके काम किया है. सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो एक अच्छा काम करने में सभी एकदम सरेंडर होके जुड़े हैं और वो आज सामने आ रहे हैं. सो इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी. What she is doing is the right thing to do. हम लोग अब ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पर frivolous content ना बनाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि every day there is, you know, you wake up with news of rape or you wake up with news of explosions or you wake up to a war news or something happening wrong in your country and in and around the world. And I think right now it's very important to be socially aware and it's very important to make films and content like that. And I think she's on the right path. मुझे उसके बारे में ना बोलने के लिए बोला गया, सो आई विल नॉट स्पीक अबाउट इट. आई एम सो सॉरी, द प्रोड्यूसर्स आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग अबाउट इट. या आई'd लाइक टू विश शमा एंड रिजवान बोथ द बेस्ट ऑफ लक एंड आई थिंक यू नो इट्स वंडरफुल दैट दे आर मेकिंग सच ब्रेव फिल्म्स एंड इट्स वंडरफुल दैट दे आर यू नो क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट एंड ऑल द बेस्ट. प्लीज कंटिन्यू डूइंग सो. थैंक्स. पता नहीं था आज ये सब होने वाला, मैं ऐसे कुछ सोच के नहीं आया हूँ बोलने के लिए. नहीं नहीं, सीरीज़ का डायलॉग से ज़्यादा जो मुझे बोलना चाहिए, जो मैंने सीरीज़ में कहा है वो ये है. देखिए, ये छोटी छोटी फिल्में हैं एंड हर फिल्म में एक मैसेज है और उस मैसेज के इर्द गिर्द कुछ किरदार हैं और उनकी उनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, पर उस छोटे से हिस्से में एंटरटेनमेंट भी है, इमोशन भी है. और जब आप फिल्म देख के उठेंगे तो आपके दिल में एक सवाल रह जाएगा और यही चाहते थे सब कि फिल्म आपके साथ सिर्फ एक मैसेज नहीं बल्कि एक सवाल भी छोड़े और आप उस सवाल का जवाब अपनी ज़िंदगी में खुद ढूंढें. एंड जब शमा ने मुझे कहा कि वो ऐसा एक ऐसी फिल्म करना चाहती हैं और बाकी उनकी सारी फिल्मों में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो खुद प्ले कर रही हैं और वो चाहती थी कि इस फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है वो मेल है और वो चाहती थी कि वो मैं प्ले करूं, पर उन्होंने मुझे बताया कि वो किस तरीके की फिल्म है और वो उस फिल्म के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहती हैं. एंड आई थॉट एक बहुत नोबल थॉट है और मैंने कहा हाँ, अब जब कहेंगे मैं आ जाऊँगा. और थैंकफुली बहुत जल्दी शूट हुआ और बहुत अच्छा शूट हुआ एंड मैंने रशेस देखे हैं, काफ़ी अच्छे हैं. सो आई होप आप लोग देखें और आप लोगों को अच्छा लगे.
थोड़ा तेज बोलिए, पीछे से आवाज बहुत है। बहुत बहुत बार ऐसे होता है कि हम अपने दिल की नहीं सुन पाते, और बहुत बार ऐसे होता है कि हम जानबूझ के अपने दिमाग की सुन लेते हैं और दिल की नहीं सुनते, क्योंकि हमें लगता है कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा सही रास्ता होगा। पर ज़िंदगी आपको यही सिखाती है कि रास्ता सही हो या गलत, खुशी उस रास्ते पर तभी मिलती है, सेटिस्फैक्शन तभी मिलती है जब एंड में आपको ये रियलाइज़ हो कि ये आपके दिल वाला रास्ता था। तो जो भी आप करें, अपने दिल की ज़रूर सुनें। नहीं, ज़रूर ऐसा रिश्तों में भी हुआ है, ऐसा बहुत बार करियर डिसीजंस में भी हुआ है कि आदमी ने अपने दिमाग की सुनी है और दिल की नहीं। पर मैं उन लोगों में से हूँ जो ज़्यादा दिल की सुनता है और दिमाग की कम, और इसीलिए ज़्यादा रिग्रेट्स नहीं करता ज़िंदगी में। जो चीज़ें छूट गई वो जानते बूझते हुए छूटी, और जो जो रास्ते पकड़े वो दिल की आवाज़ थी इसलिए उस रास्ते पर चले। तो आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो इस बात का ब्रांड एम्बेसडर है कि अपने दिल की ही सुननी चाहिए, बिकॉज उस रास्ते पे आगे जाके आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। थैंक यू। सबसे पहले शमा मेरी बहन है, हम बचपन में साथ से बड़े हुए, माय मॉम्स अडॉप्टेड डॉटर शी इज, तो आई एम वेरी हैप्पी। माय सिस्टर इज डूइंग सो वेल, उसने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है। आई विश हर ऑल द बेस्ट, ऑल द सक्सेस। और ये दिल की धुन दूर तक जाए और सबके कानों में जाए और सब सुने। आई विश लॉट्स ऑफ लव फॉर हर। हाँ जी, शमा की लाइफ इंस्पायर, शमा को मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। ऑब्वियसली मैं, मेरी बहन शमा, हम लोग सब लोग स्ट्रॉन्ग वुमेन रह चुकी हैं, एंड वी हैव हैड आवर बैटल्स ऑफ लाइफ, एंड यस वी आर विनर्स, वी हैव वन, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर वॉट एवर शी हैज़ फॉट। उसने अपनी ज़िंदगी में जो भी जंग लड़ी है और जो जीत के बाहर आई है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। There in my bike. Thank if you're not there, doesn't make any sense. I don't want to be solo and talking, buttering and all that. Thank you so much. Thanks a lot for coming. Definitely, I think Shama is my very old friend. I've been known her for ages and ages. I think, you know, so I can't even count how many years I've been knowing her for. So of course, it feels great when your friend starts something new. And I think we all are here to do something great and something that's more creative. Hum sab kuch na kuch naya karna chahte hain, and jab aap apne doston ko dekhte ho kuch naya karte hue, I think it's very important to be a part of that new thing that's starting, to support it, to give all your love and wishes. So I think that's the reason I'm here, and I have all the love and good wishes for Shama, and I hope that Dil Ki Sun becomes really big. And I think aaj ki tareek mein hame Dil Ki Sunna bahut zyada zaruri hai, because hum har cheez mein itna dimag lagate hain aur itna apne आसपास इतना इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि अच्छा मुझे ये करना है, बट आई एम नॉट श्योर लोग क्या कहेंगे, और आई एम नॉट श्योर ये चीज़ें अप्रिशिएट होगी कि नहीं। तो आई थिंक वो डर को पीछे रख के एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई थिंक आई रियली लव द टाइटल ऑफ दिल की सुन, एंड या आई थिंक आज की तारीख में तो 90% दिल की सुन के नुकसान ही होता है। तो आई थिंक जहाँ पे आपको पता है कि आप लोगों से काम के सिलसिले में मिलते हो, आई थिंक दिमाग की ही सुनना चाहिए। एंड आई थिंक जब एक वो बॉन्ड बन जाता है, तब जाके दिल का रिलेशन वहाँ शुरू होता है। बहुत सारे जगह पे दिल का रिलेशन पहले शुरू हो जाता है, और ये वही जगह पे होता है जहाँ पे मटेरियलिस्टिक गेन्स नहीं होते, बट जब मटेरियलिस्टिक गेन्स आते हैं तो आई थिंक दिल का सुनना बहुत स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत डिफिकल्ट होता है। बट देन येट आई थिंक इट्स अ प्रोसीजर, इट्स अ लेवल, एंड वेन यू लेवल अप आई थिंक थिंग्स स्टार्ट्स चेंजिंग। ऐसे एक्चुअली बहुत बार हुआ है मेरे साथ, और आई थिंक बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कुछ। आई थिंक जब मैं टर्की गई थी
मुझे लगा था मुझे बेरूत जाना चाहिए और जब वापस, मेरी बहुत फेवरेट सिटी है, और जब मैं वापस आई मुझे पता चला वहाँ पे इतने इतना बॉम्बिंग हो रहा है और ये वो, तो मैं बहुत डर गई. मुझे लगा शिट, काश मैं चली गई होती. और यू नो, ये एक इंसिडेंट है जो मुझे आज भी याद है और हमेशा मैं कहती हूँ मुझे जाने नहीं मिला. सो आई थिंक वो एक चीज़ है, मतलब सुनने में बहुत फ़नी लगती है, बट यू नो कभी कभी कुछ चीज़ें दूसरों को सुनने में बहुत फ़नी लगती है, बट जब आपके साथ होती है तो आपको लगता है कि नहीं यार मुझे करना चाहिए. तो ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स है आई थिंक. वेल ऑनेस्टली प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स आए हैं, बट आई थिंक आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको या तो उस लेवल पे रहना है या चीज़ों को लेवल अप करना है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे सिर्फ दिमाग की सुनती हूँ और मुझे लगता है कि मैं फिल्म आई थिंक एक ही चीज़ पे साइन करना चाहूँगी कि मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या मैं खुद फ्राइडे को जाके वो फिल्म देखूँगी. और अगर मेरा आंसर होता है नो, मैं भी उन्हें कहती हूँ नो. सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट बींग एन एक्टर एंड डूइंग फिल्म बैक टू बैक. इफ़ यू नॉट गेटिंग गुड फिल्म, वेट, यू नो इट डजेंट मैटर. आप एक साल बाद मिलेगी, दो साल बाद मिलेगी. मुझे वजह तुम हो दो साल बाद मिली थी आफ्टर जय हो, एंड जय हो आई वॉज जस्ट अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड आई गॉट अ लीप ऑफ अ लीड रोल. सो आई थिंक जब आप इस चीज़ों में दिल की सुनते हो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो करियर बेस्ड डिसीजन होता है वो आपको एक चीज़, मैंने अपने इंडस्ट्री में रह के एक चीज़ मैंने सीख ली है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बट मैंने सीख ली है, वो है पेशेंस. तो मैं बहुत पेशेंट हूँ इस चीज़ को लेकर, बट देन आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम स्टार्टिंग माई न्यू वेंचर. एंड येस, सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अप माई स्लीव्स राइट. वेल मैं अपना बिजनेस शुरू करी विच इज़ स्टार्टिंग ऑन दिस फ्राइडे विच इज़ फेस स्पा, एंड इट इज़ ऑल अबाउट ट्रीटिंग स्किन विच इट्स ऑल अबाउट योर फेस. बहुत लोगों को यहाँ पे लगता है फेस स्पा मतलब सलोन है, इट्स नॉट अ सलोन, इट्स ओनली फेस ट्रीटमेंट. सो आई एम जस्ट गोना मेक यू ग्लो, शाइन एंड ब्राइट, दैट्स इट, नथिंग एल्स. जी ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड हूँ. रेस 3 एनी विच वेज हैव बीन माई वेरी इट हैज़ बीन वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेंचाइज फिल्म, एंड आई लव थ्रिलर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड मेरा फेवरेट जॉनर है थ्रिलर. इन जब आप फिल्मों की बात करते हैं तो जब रेस 3 आ रही है ओवरऑल हर चीज़ चेंज हो गई इन टर्म्स ऑफ लुक, स्टारकास्ट, डायरेक्टर, एवरीथिंग इज चेंज. सो आई एम डेफिनेटली लुकिंग वॉट न्यू इज कमिंग विद एवरीबडी न्यू इन द ग्रुप. मैंने बोल दिया ये टॉम डिक एंड हैरी आ रही है, बट आई थिंक वो भी होल्ड पे है. आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस, बट देन उन्होंने कहा है कि होपफुली जुलाई में शुरू होने वाली है. सो इफ इट स्टार्ट्स ग्रेट. थैंक यू. हाँ जी बताइए, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? सी शमा इज अ डियर फ्रेंड एंड शी समवन हु हैज सीन अ लॉट इन लाइफ. ज़िंदगी में उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं. पर्सनालिटी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हैं, एंड मुझे लगता है अगर वो ये चैनल शुरू कर रही हैं और अब दिल की सुन करके उनका जो वेब सीरीज है, जो उनका थॉट है, आई विश द बेस्ट. दिल से मैं उनको इस शो के लिए, इस राधर दिस न्यू स्टेप दैट शी इज टेकिंग, आई वुड विश हर द बेस्ट एंड आई जस्ट होप दैट एवरीथिंग गोज वेरी गुड फॉर हर. ऐसे काफ़ी इवेंट्स होते हैं ज़िंदगी में जब हम ऐसा सोचते हैं कि यार आज अगर दिल की सुन ली होती तो अच्छा होता. बहुत लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे जब हम टीनेजर होते हैं तो हमें कोई लड़की बड़ी पसंद आती है, आपके साथ भी हुआ होगा, हम सोचते हैं यार इससे बात कर ली होती, इसका नंबर ले लिया होता, लाइफ कुछ अलग होती. नहीं लेते हैं उस समय नंबर, नहीं करते, वो दिल की सुनने वाली बात होती है. लाइफ में कभी कुछ और देखते हैं, लगता है कि यार ये फिल्म कर ली होती ये अच्छा होता, ओहो ये उसने कर ली उसकी फिल्म चल गई. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, दिल की हमेशा बात सुननी चाहिए. दिल जो होता है वो हमेशा आपको राइट इंट्यूशन देता है, राइट गट फीलिंग देता है. जो गट फीलिंग होती है, जो राइट इंट्यूशन होता है, वो आपका हार्ट आपको देता है, वो दिमाग नहीं देता. दिमाग जो होता है वो बहुत कैलकुलेटिव और बहुत डिप्लोमेटिक थॉट रखता है. दिल की सुननी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन एक ऐसा इशू है जो सिर्फ अब हमारी इंडस्ट्री में नहीं, हमारी इंडस्ट्री में ये चीज़ें इसलिए शायद ज़्यादा नज़र में आ जाती हैं क्योंकि ये एक ग्लैमर इंडस्ट्री है.
इसमें यहाँ पर चाहे कोई एक्टर बड़ा हो छोटा हो, किसी भी मुकाम का डायरेक्टर हो, कोई भी प्रोड्यूसर हो, उसके साथ अगर लाइफ में कुछ गलत हो या बुरा होता तो वो ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं हो सकता। डिप्रेशन आज स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत है, बिजनेस कॉरपोरेट इंडस्ट्री में बहुत है, दैट इज़ बिकॉज द प्रेशर ऑफ सोसाइटी एंड द प्रेशर ऑफ बिकमिंग समथिंग ऑन सो कॉल्ड द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी विद अ सर्टेन स्टैंडर्ड ने लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और प्रेशराइज लाइफ बना दी है। आजकल ज़्यादातर बीमारियों का कारण स्ट्रेस है, बुखार नहीं है। हाँ जी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ एंड कुछ दिन पहले मेरी उससे बात भी हो रही थी, वो गोवा में था, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम, आई एम वेरी हैप्पी फॉर द एंटायर टीम ऑफ बागी टू। देखिए, जब एक फिल्म चलती है तो सबका फ़ायदा होता है, फिल्म चलनी चाहिए चाहे ऐसी भी हो कुछ भी हो, एंड मैं हमेशा चाहूँगा कि उसकी हर फिल्म चले। आई एम ग्लैड कि उसकी फिल्म चली है, लोगों ने उसका काम इतना ज़्यादा सराहा है, आई एम रियली हैप्पी। जी देखिए, हर अपने फेस का एक अलग चॉइस प्रोसेस होता है फिल्म चुनने का। यू नो, जब मैं 20 या 19-20 साल का था तब शायद फिल्में एक बहुत अलग स्टाइल से चुनी गई थी, एंड आज जब फिल्में चुनी जाती हैं तो बहुत अलग थॉट प्रोसेस से चुनी जाती हैं। बट आई थिंक आई एम एट अ मच बेटर फेज इन लाइफ, आई एम डूइंग सम थिंग्स विच आर वेरी न्यू एंड वेरी डिफरेंट विच आर वेरी एक्साइटिंग एंड मुझे बहुत चैलेंज कर रही हैं, चाहे वो पर्दे के सामने हो या पर्दे के पीछे का काम भी हो। मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो मुझे बहुत एक्साइट कर रही है। पापा की तो सारी फिल्में मैं और प्रतीक करना चाहेंगे, लेकिन शायद वो मुकाम ना छू पाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हाल ही में अवेंजर्स आई थी, तो मेरी ख्वाहिश तो है कि ऐसी फिल्म हमारे हिंदुस्तान में बन जाए भाई, है ना, अवेंजर्स बने और मैं थॉर का रोल कर लूँ तो और मज़ा आ जाएगा। बेचारा थॉर हिल जाए क्रिस हेम्सवर्थ में भी थिंकिंग व्हाट द हेल इज हैपनिंग मैन द फक। ओके, डैड की काफ़ी फिल्में हैं, बट कल की आवाज़ मेरी दिल के बहुत करीब है। मुझे लगता है बहुत इट वॉज वेरी गुड डेथ विश conceptualized film. जंगलम की शूटिंग जो है अभी फिलहाल उसकी वर्कशॉप्स चल रही हैं, उस पर काम चल रहा है, एंड जंगलम की शूटिंग जो है वो शुरू होगी जुलाई में। मैंने डेट्स जुलाई में दी हैं, जुलाई में शुरू हो रही है। जी देखिए, उस फिल्म में आई एम प्लेइंग अ फॉरेस्ट ऑफिसर फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स अ वेरी इंटेंस कैरेक्टर एंड इट्स अ ग्रे शेड, एंड मेरी प्रेपरेशन एज सच ये नहीं है कि मैं जंगल में जाके रह रहा हूँ। प्लीज़, मैं उस किस्म का एक्टर नहीं हूँ कि मतलब अब मैं मतलब जंगल की फिल्म कर रहा हूँ तो जी अब मैं 2 महीने जंगल में रहूँगा, मैं देखूँगा शेर क्या खाते हैं, वो सब मैं नहीं करता हूँ लाइफ में। मेरे अच्छे जेनेटिक्स हैं, मुझे समझ में आता है एक्टिंग क्या है, मुझे सीन परफॉर्मेंस समझ में आती है, मैं अपने डायरेक्टर के साथ वक्त बिता रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट की मांग क्या है, उस तरीके से अपनी आवाज़ पर अपनी लुक पर काम करके we are trying to deliver the best and we still have 2 months work to go about it. Thank you so much guys. Abdul ki suno, unki ek bahut hi pyari story aa rahi hai jo ki YouTube launch, jo ki unke khud ka channel hai YouTube jis pe wo launch kar rahe hain. I'm sure ki aaj ki date mein digital platform bahut bada hota ja raha hai and I'm sure ki ye unki jo movie hai short film mein logon ko achhi lagegi, and haal mein maine bhi apne music and sound company shuru kari hai jahan pe main न्यू कमर्स को चांस दे रहा हूँ। सो आई गेस आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सो माय बेस्ट विशेस टू शमा कि वो बहुत अच्छा कर रही है एंड आई एम श्योर कि सभी को उसकी फिल्म अच्छी लगेगी। यार देखो, मुझे लगता कि दिल की कोई सुनता है, दिल एक कहावत है, बट डेफिनेटली आप दिल दिमाग से चलिए एंड ज़मीन से जुड़े रहिए तो आप बहुत आगे जाएंगे। कोई भी ऐसा इवेंट नहीं, मेरे को सारी मेमोरी बहुत, बिकॉज मैं जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं उसको याद रखता हूँ, इन्जॉय करता हूँ, बिकॉज ये चीज़ दोबारा नहीं आएगी। सो आई एम वेरी लकी कि जो जो पिछले 20 सालों से मैं टिका हुआ हूँ, लोगों का प्यार है, जो भी मुझे प्यार मोहब्बत शोहरत मिल रहा है, इट विल नेवर कम अगेन। सो आपको भी मैं बोलना चाहूँगा, जितने मेरे फैंस हैं फ्रेंड्स हैं,
کہ جو آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو انجوائے کرو, وہ ریپیٹ نہیں ہونے والا. لائف ایک ہی بار ملتی ہے تو آپ انجوائے کرو. جی 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 نہیں ایکچولی شمع بہت ٹائم سے میں شمع کو دیکھ رہا ہوں, شی از اے ویری ٹیلنٹڈ گرل اینڈ بہت سارے انہوں نے موویز بھی کری ہیں, سانگز بھی کرے ہیں, اور جب انہوں نے گانے بھی کرے وہ بھی ہٹ رہے ہیں. اینڈ اپنے آپ کو مینٹین اس نے ہمیشہ رکھا ہے, شی لکس سو بیوٹیفل. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ جو اس کی شارٹ فلم ہے یہ لوگوں کو اچھی لگے گی. اینڈ فرسٹ اس کا بیبی ہے, سو مائی بیسٹ وشز ٹو شمع اینڈ دا انٹائر ٹیم آف ان کی ٹیم کو پورا. پہلا میرا جیسے سامنے لگیا گانا تھا, مجھے فرسٹ ٹائم بہت ایکسائٹمنٹ تھی, تھوڑے سے پیسے ملے تھے, وہ تھوڑے سے پیسے میں نے بہت انجوائے کرا. اینڈ تب سے لے کے ابھی تک مجھے وہ یاد رہے گا کہ اب تو خیر جب آگے بڑھتا ہے تو آدمی بہت ساری ترقی کرتا ہے, لیکن وہ جو پہلا ایک پیار ہوتا ہے, ایک پہلا ایک اسائنمنٹ ملتا ہے, آپ کو ہمیشہ خوشی رہتی ہے اور ساری عمر یاد رہتا ہے. ویب سیریز کا میں جیسے ڈیفینیٹلی پروڈیوسر, ایز اے پروڈیوسر ضرور آؤں گا. فی الحال تو میوزک بھی کروں گا ویب سیریز کے لیے, سو آئی ایم شیور کہ آج آنے والا ٹائم یہ بہت اچھا ہے, اور آج کل تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے اینڈ اسمارٹ فون ہے, سو لوگ زیادہ تر باہر تو جاتے نہیں ہیں, ٹی وی بھی دیکھتے لیکن کم دیکھتے ہیں, ایون نیوز بھی ہم اتنی جلدی وائرل ہوتی ہے فون پہ, سو آئی ایم شیور کہ آنے والا ٹائم یہ ویب سیریز کا ہی زمانہ ہے. جی 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 ڈیفینیٹلی میں چہیتے تو نہیں ہوں, بٹ آئی ایم ویری لکی کہ جب بھی بیکاز سلمان بھائی کی سسٹر کے ٹائم پہ بھی مجھے موقع ملا وہاں پرفارم کرنے کا ارپتا کا, اینڈ دین ابھی سونم کی شادی تھی, سو ایک مزہ آتا ہے جب اپنی فیملی کے ساتھ ہم پرفارم کرتے ہیں, اینڈ بہت تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پورے اسٹارز کو نچانا اینڈ ہر کسی کا گانا گانا, ہر کسی کا گانا یاد رکھنا, بیکاز جب میں پرفارم کرتا ہوں تو میرے کبھی بھی لیفٹ رائٹ کوئی اس کے پیپرز یا میں یوز نہیں کرتا کہ میں ایک اسٹینڈ رکھوں اس پہ گانے پڑھوں, تو میں نے چیلنج دیا تھا انل جی کو, میں نے بولا تھا کہ جو بھی ایکٹر آئے گا میں اسی وقت آن دا اسپاٹ اس کا گانا گاؤں گا, آپ جو بھی ایکٹر سامنے لے کے آئیں گے, ایون نیتو سنگھ جی وہاں پہ آئے تھے تو تب میں نے ان کا گانا بھی گا دیا تھا, ریکھا جی کے لیے بھی گایا تھا اینڈ ابھیشیک بچن کے لیے بھی گانا گا, جو بھی انٹر کر رہا تھا میں اس کے لیے گا رہا تھا, سو آئی ایم ویری لکی کہ اتنے بڑے بڑے ایونٹس ملتے ہیں اینڈ ایک فیملی ماحول بن جاتا ہے. حالانکہ بہت سارے ایونٹ کمپنی نے بولا کہ اتنا کوئی اوارڈ فنکشن پہ ڈانس نہیں کرتا جتنا انہوں نے اس پارٹی پہ انجوائے کرا. ویل پرانے سارے ہم سب کے فیوریٹ ہیں, محمد رفیع صاحب, کشور دا اینڈ مکیش جی, آر ڈی بمن صاحب, اینڈ اگر ہم صوفی میں دیکھیں نصرت فتح علی خان صاحب, دین ہمارے جگجیت سنگھ غزل گائک, دین میرے دلیر پا جی, سو ان سبھی سے میں نے بہت کچھ سیکھا اینڈ آئی ایم شیور کہ آنے والے ٹائم میں بہت کوشش کروں گا کہ کچھ ڈفرینٹ لے کے آؤں, تو اس سال بہت سارے دھماکے ہوں گے, بہت سارے دھماکے ہونے والے ہیں جو آپ کو بیک ٹو بیک نظر آئیں گے اینڈ سرپرائز ہے سب کے لیے. نیشن وانٹ ٹو نو میں لیٹ کیوں آیا ہوں, بیکاز سچ بتاؤں میرا بیگ رہ گیا ڈیلی اور مجھے صرف کچھ گھنٹوں کے لیے مجھے ممبئی میں آنا تھا, کوئی گانا ریکارڈ کرنا تھا, بہت بڑے گانے ہیں, دو گانے میں نے ریکارڈ کرے اینڈ اس کے بعد مجھے واپس جانا تھا, تو مجھے بار بار ندھی بولتی جا رہی تھی اینڈ شمع بولتی آ کیوں نہیں رہے, تو بڑی مشکل سے میں نے شرٹ نکالی, آپ دیکھو کہ میں بیلٹ بھی نہیں پہن کے آیا, میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے اسٹائل ایسا مارا ہے کہ بیلٹ پتہ نہیں کہاں ہے اینڈ شوز پتہ نہیں کون سے میچنگ کر کے لایا ہوں, اس لیے میں لیٹ ہو گیا ہوں, سو آئی ایم سو سوری, پر پھر بھی میں نے آپ کو سچ بتانا, دیکھو گھڑی بھی نہیں ہے, رنگ بھی نہیں ہے, چین بھی نہیں ہے, چشمہ بھی نہیں ہے, تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہو کئی بار میرے جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کئی بار کپڑے نہیں بچتے. اینڈ ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ 16th کو ہمارا گانا ریلیز ہو رہا ہے سما, اینڈ جیسے کہ آپ ہمیشہ ہمیں بہت پیار دیتے ہیں, سہیوگ دیتے ہیں, سو سما دا سمر لو از کمنگ فار یو گائز, سو آپ 16th کو مے کو ضرور گانا دیکھنا. تھینک یو. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.